आज मैंने बनाए हैं चिकन क्रिस्पी फ्राई, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही आसान। तो ये देखें आप लोग, इसके साथ रायता और फिर पराठे, क्या ही बात है। तो चलिए जल्दी से आप लोग मेरी रेसिपी को नोट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये देखिए जी, मैंने 1 kg चिकन लिया है और चिकन में इस तरह से कट लगाने लेना है आप लोगों को। मैंने जिस तरह कट लगाए हैं, कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो चिकन में जो मसाले ऐड करेंगे वो अंदर तक चले जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये शिकायत होती है कि क्या नाम है, हम जब भी ये चिकन फ्राई बनाते हैं तो हमारे जो चिकन होती है अंदर से जूसी नहीं होती। तो बस आपने जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे फॉलो करना है। आपने लेना है 1 tablespoon इसके अंदर रेड चिली पाउडर, और आपने लेने है हल्दी 1/2 tablespoon, ठीक है जी। और ये सॉल्ट है अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। और अब मैं इसको खूब अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। देखिए मैं कितने मज़े से इसको मिक्स कर रही हूँ, और सेम टू सेम आपने ऐसे ही हर एक एक चिकन के पीस को इसी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि मसाले अंदर तक चले जाएं इसके। तो ये देखें कितने मज़े से इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, यानी कि ऐड से मुराद इसको मिक्स कर रही हूँ खूब मज़े से। और देखें ये मैंने मिक्स कर लिए हैं और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम शुरू करने से पहले लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। ये जो चिकन में मैंने अभी मसाले लगा के रखे थे वो मैंने अब इसके अंदर फ्राई पैन में डाल दिए, और जो इसके अंदर मसाला था बचा हुआ बॉल के अंदर उसमें हमने 1/2 कप पानी लेके इसमें डाल दिया है, ठीक है जी। स्पून की मदद से उसको हम हल्का सा चलाएंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे, ठीक है जी। अब जो फ्लेम ऑन करेंगे तो उसको हाई रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और अब मैं करूँगी इसको कवर अप, ठीक है जी। ये देखें स्पून की मदद से मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। चलाने के बाद अब मैं इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ दूँगी और फिर इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी। हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। देखें मैं कवर कर दिया है इसको, और देखें फ्लेम भी मैंने हाई कर दिया सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, और 5 मिनट इसको कुक करने दूँगी, ठीक है जी। चलिए जी, ये देखें जी, ये अब हमारे 5 मिनट ख़त्म हो चुके हैं, और ये देखिए चिकन भी अब हमारे यानी कि जो है ये थोड़ा सा कुक हो चुका है। तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अब हम इसको 1 by 1 करके निकाल लेंगे और जो पानी जो है वो हम इसको फेंक देंगे, ठीक है जी। अब देखें मैंने ये 1 by 1 करके सारे चिकन निकाल लूँगी। अब हम इसको करेंगे ठंडा, और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता हम इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करेंगे, वरना चिकन जो है वो बिखर जाएगी। हम इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब देखिए जी, ये जो हमने मैरिनेट करके रखी थी चिकन और उसका जो पानी था वो हमने फेंक दिया था, और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये देखें जी, मैंने 1 tablespoon इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ठीक है। अब मैंने हल्दी डाली है 1/2 teaspoon, और 1/2 teaspoon मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला है, 1/2 teaspoon मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और 1/2 teaspoon पिसा हुआ धनिया। अच्छा जी, अब हमने जो सॉल्ट डालना है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, क्योंकि हमने जो चिकन उबाली थी वो उसमें भी हमने सॉल्ट डाला था, तो आप चख के फिर डालिएगा, ठीक है जी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा, ठीक है। मैंने मैदा डाला है 1 tablespoon, क्योंकि क्रिस्पी बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगी ये। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन, ठीक है। 1 tablespoon मैंने इसके अंदर बेसन ऐड करा है, और अब ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, ठीक है। भुना हुआ ये ज़ीरा है 1 tablespoon, ये दही है यह आपने लेना है 1/2 cup, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, ये आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है कि आप
इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड करें। ठीक है, इसको खूब अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने डाल दिया, मैंने इसके अंदर डाला है जिंजर पाउडर, ये देखिए मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली ली है और इसके अंदर लेमन भी मैंने ऐड कर लिए हैं। लेमन का जूस भी आपने इसके अंदर डालना है ताकि ये जूसी सा बने। ठीक है जी, ग्रीन चिली आपने ले लेनी है 3 से 4 अदर और लेमन आपने 2 लेने हैं बड़े साइज़ के और ताकि मज़े का बने। रहमानी रहीम, हर काम शुरू करने से पहले लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। ठीक है जी, अब आप देखेंगे इसमें हमें फ्राई पैन में ऑयल अच्छा खासी डालना है ताकि आप फ्राई आराम से कर सकें। ऑयल का ज़रा ख्याल करिएगा, ऑयल कम ना हो। ठीक है, 1 बाय 1 करके देखें, मैंने चेक कर लिया है कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर डालती रहूँगी। ठीक है, चीटें ना आए इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है जब एकदम से चीट आती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है, ये देखें मैंने सारी इसके अंदर डाल दी और अब मैं इसको पलटूंगी। ये देखें कितना प्यारा शानदार कलर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यकीन माने। ये देखें अब मैं इसको निकाल रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब मैं करूँगी इसको डिश आउट और इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए जी, ये बन के रेडी हुआ है, क्या ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी हुई है और आज का डिनर तो बहुत ही औसम होने वाला है और आप लोगों के मुंह में यकीन पानी आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो जल्दी से फटाफट से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, चलती जानना चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।